हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे, मज़े में होंगे। और गर्मी तो ज़्यादा बढ़ गई है। और आज दिन है शुक्रवार 3 जून, और बज रहे हैं अभी 7:25। सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ मैं, थोड़ा सा थक गई तो बैठ गई थी। और माही अभी उठी नहीं है, सोई है। और इसके पापा जा चुके हैं बुकिंग, और निमा गई है ब्रश करने। और सुबह का बहुत सारा काम था, बर्तन नहीं धोई थी, झाड़ू पोछा बर्तन, और फिर चावल भी पीसने के लिए मैं धो डाली हूँ। उड़द और उसना और वह दोनों चावल मिक्स करके सुखाई नहीं हूँ, थोड़ा सा थका थका लगा तो बैठ गई हूँ। और 7:30 बजे से कितना धूप आ जा रहा है, तो थोड़ी थकान होती है सुबह सुबह ज़्यादा काम हो जाने से। तो जा रही हूँ अभी नहाना धोना करूँगी। पहले चावल को डाल देती हूँ धूप में सूखने के लिए, फिर नहाना धोना। कूलर में थोड़ा सा पानी भी भरना है, काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और मैं 7:30 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है। बाकी आज चावल धोई तो 7:30 बजने वाला है, नहीं बजा है तो काम ख़त्म हो जाता है सुबह सुबह। फिर भी पसीने के मारे रहा नहीं जा रहा है, उतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है, पानी नहीं गिर रहा है इधर तो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए चावल को धूप में डाल देती हूँ सूखने के लिए। छत में नहीं डाल रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है तो आंगन में भी सूख जाते हैं और कबूतर परेशान करते हैं ऊपर में चावल डालने से, सब खा कर ना उसमें टट्टी भी कर देते हैं। और हवा चलता है तो कुछ कुछ, जैसे कि खेतों में अभी आग लगा रहे हैं तो वो काली चीज़ जो पेड़ का जो काला काला उड़ता है ना, गंदा डस्ट, वो उड़ रहा है। तो उस वजह से ना ऊपर मैंने डाल रही हूँ, आंगन में ही सूख जाएगा, आंगन में डाल दूँगी। फिर कपड़ा धोना है, फिर कूलर में पानी भरना है। तो चलिए नहाना धोना करके फिर मिलूँगी। चावल को पहले डाल देती हूँ आंगन में सूखने के लिए। माही चलो ब्रश करना है, बड़ा उठो, 7:30 बज गया, नहीं सोते हैं ज़्यादा। चलो पढ़ाई करना है, नाश्ता करके। क्या खाएगी नाश्ते में आज माही? चूड़ा का उपमा, चूड़ा, पोहा। कौन खाएगा माही? चलो उठ बेटा। तो चलिए काम कंटिन्यू करते हैं। और कल से रखी हूँ गेहूँ को धो सुखा कर, इसको ना आटा बनाने के लिए रखी हूँ। और उसके बाद चावल को भी धो लेती हूँ, चावल उड़द अरवा चावल उसना चावल दोनों को। और उसके बाद ना धो के रखी हूँ इसको भी, बस सुखाई नहीं हूँ, पानी अच्छे से इसका रिस जाए उसके बाद धूप में डालूँगी करके रख दी हूँ सूपा में। और इसमें जो गोटी मिट्टी होता है, जो गंदगी होता है, साफ हो जाता है धो के सुखाने से। और उसके बाद फिर बनाएंगे इसका चावल का आटा। इसमें ना मोटी मोटी रोटी या तो पतली वाली रोटी जिस तरह का पसंद है, या तो पनपरुआ बना लो, बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसलिए इसी तरह का मैं चावल का आटा बना कर रखी रहती हूँ, और ये ना फटाफट से बन जाता है नाश्ता। और चावल पुलाव लाइन नहीं है तो ग्राइंड नहीं कर पाओगे, इसी तरह नाश्ता बनाना रुक जाता है, दूसरा कुछ नाश्ते का फिर प्लानिंग करना पड़ता है उसी टाइम। तो इसी वजह से ना इस तरह का रेडीमेड आटा बना के रखे रहो चावल का, तुरंत बन जाता है रोटी, अच्छी टेस्टी रोटी बनती है इससे। थोड़ा उड़द ज़्यादा ही डालें और उसना चावल भी थोड़ा मिला लें तो अच्छी रोटी बनती है। बस अरवा चावल हो तो ज़्यादा उड़द डालें। कई बार मेरे को व्यूअर लोग रेसिपी पूछ चुके हैं इसका, तो मैं आज पूरा रेसिपी बता देती हूँ आपको। ये ना 4 किलो अरवा चावल है, तो इसमें 1 किलो या 1.5-2 किलो उसना चावल डाल दें, और इसमें ना 1 किलो उड़द डाल दें। बहुत अच्छा चावल का आटा बनकर तैयार होता है, थोड़ा कम ज़्यादा होने से भी चलता है। बाकी आटा जो बनाते हैं ना, आपको मोटी रोटी बनानी है तो थोड़ी खुरदरी आटा, और पतली वाली चीला बनाना है तो थोड़ा महीन पिसा हुआ आटा चाहिए। तो फटाफट 5 मिनट में नाश्ता तैयार हो जाता है। नहा के आओ, चाय बिठाओ और रेडीमेड बैटर को घोलो और चीला बना लो, तुरंत तैयार हो जाता है नाश्ता। चाय, चीला और चटनी, हमारे छत्तीसगढ़ में तो बिना चीला के कोई चलते नहीं है, और मुर्रा वाला नाश्ता पसंद नहीं करती हैं। जिसको देखो, कौन पतला वाला चीला, कोई मोटा वाला चीला, कोई पनपरवा बनाती हैं। और नाश्ता बनना ज़रूरी है,
डेली। और माही के लिए तो हमारा ज़रूरी ही है, क्योंकि वो मुर्रा पसंद नहीं करती है, सुबह रोटी पसंद नहीं करती है, तो उसके लिए तो चीला बनाना ज़रूरी है, या तो मुर्रा फ्राई या तो पोहा फ्राई करने से खाती है। तो आज बनाई है नीमा, मैं नहाने के लिए गई तो नीमा बनाई है पोहा मूंगफली ब्याज डाल के, और कुछ मिक्सचर इसमें मिला दो, अच्छा लगता है खाने से। तो ये ली है, हम लोग रायगढ़ गए थे, तो पोपेट बोलते हैं इसको शायद, और खेल रही है, दिखा रही है आप लोगों को। ये ना 80 रुपीज़ लिया है, बहुत ही रेट ले रहा है। ये ना 20 या 30, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ होना चाहिए, तो ना 80 रुपीज़ ले रहा है, बहुत ज़्यादा है पोपट का रेट। और मैं ये नाश्ता कर रही थी तो माही वीडियो बना रही थी, लाओ मैं वीडियो बना देती हूँ मम्मी बोली, और वो ना मोबाइल देखने के लिए हमेशा मैं वीडियो बनाऊँगी बोलती है, और बोल रही थी मेरे को खिला तो बोल के। और माँ के साथ खाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, जितना भी खाए रहें माँ के साथ थोड़ा सा खाएंगे, तो मेरे को वीडियो बना दे रही थी। चलो तू नाश्ता कर, मैं वीडियो बना दे रही हूँ। मैं बहुत थक गई थी, लेट हो गया था नहाना भी, और थकावट हो रही है थोड़ी ज़्यादा, पता नहीं गर्मी की वजह से लग रहा है या कुछ। और नाश्ते वास्ते के बाद मैंने तरोई को छील लिया था, और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट लूँगी, और प्याज डाल के उसको बनाऊँगी। नीमा को ये वाला पसंद है, और था डुड़का बोलते हैं इसको, और भिंडी तो कल ही बनाई थी मैं, भिंडी तो आज नहीं बना रही हूँ। और तरोई को बनाऊंगी प्याज डालकर। और ये मेरे मम्मी पापा आए थे गांव से, तो वो लोग ला दिए हैं मछली, तो उसको बनाऊंगी आज, इसको बनाकर मछली बनाना है बस। और आज फ्राइडे है तो यहाँ बाज़ार लगता है, तो फ्राइडे के दिन पहले कुछ ना कुछ बनता ही था घर में। मेरे ससुर जब थे तो उनको बहुत नॉनवेज पसंद था, तो कभी मटन कभी मछली कभी कुछ इस तरह से बनता ही था हर बाज़ार के दिन, कुछ ना कुछ मेरी सासू माँ लाती थी। और अब मेरे ससुर जी के बाद ये बंद हो गया है, तो आज मेरे माँ बाबू जी आए थे तो ला दिए थे, तो बना ले रही हूँ। उसके पापा बोल रहे हैं कुछ को फ्राई कर देना और कुछ को सब्ज़ी बना देना, बहुत दिनों से नहीं खाए मन लग रहा है बोल रहे थे, तो थोड़ा सा फ्राई भी कर दूँगी और थोड़ा सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि मेरे देवर लोगों को भी देना रहता है, मेरी सास को भी देना रहता है, और बच्चे लोग तो खाते नहीं हैं नीमा मेघा लोग मछली, तो बस मैं और उसके पापा थोड़े थोड़े खाते हैं, कोई ज़्यादा तो खाते नहीं हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा दूंगी भी और हम दोनों खाएंगे। माही भी डरती है, इसमें कांटा रहता है ना, तो इसलिए मैं वो मना करती है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं खिलाती हूँ। अगर खाने का मन रहता है तो मैं उसको छांट कर देती हूँ कांटा निकाल कर, नहीं तो तू मत खा बेटी बोलती हूँ। वो मछली खाने से डरती है कांटे के लिए। और उसके बाद इधर मसाला फ्राई कर दे रही हूँ, इधर पक रही है मछली, और इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डालकर ये अच्छे से पकने के लिए डाल दी हूँ इधर पैन में, और इधर मसाला फ्राई कर ले रही हूँ। जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और हमारे ये रसोई रूम में ना बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, खिड़की नहीं है तो। और इसमें ना बहुत ज़्यादा ऑयल डाली थी मैं अच्छे से तलाए करके, तो ऑयल को डाल दे रही हूँ मसाला में, क्योंकि ये फिश एक साइड पर पक चुका है, दूसरा साइड पकना बाकी है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल जो रहता है ना उसको ना तलोगे तो पूरा ऑयल वेस्ट हो जाता है, क्योंकि एक दिन महीने में एक बार हम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो उतना तेल को कहाँ रखे रहोगे जला हुआ तेल को, तो इसलिए मैं ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करती हूँ, और जो फिश को तलने में करती हूँ वो मसाले में मैं डाल देती हूँ ऑयल को। देखिए पूरा एक तरफ अच्छे से फ्राई हो चुका है, और एक तरफ भी हो जाएगा जितना उसमें ऑयल है, बाकी ऑयल को मैं मसाले में डाल दी हूँ, और इस तरफ मसाला भी और थोड़ा सा ऑयल लगेगा क्योंकि मछली में बहुत ज़्यादा ऑयल था। और इसमें डालकर मैं फिर पाउडर वाले मसाले, जैसे कि इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला डालूंगी, और उसके बाद कलर मिर्च, और फिर जीरा पाउडर धनिया पाउडर, और मैं पीसी थी इसमें अदरक लहसुन और प्याज, तो सब मसालों को डालकर मैंने फ्राई कर लिया है। और उसके बाद टमाटर भी डाल दी हूँ, टमाटर भी अच्छे से गल जाए, उसके बाद मछली को इसमें डालेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी एक दो पीस को उसके पापा के लिए, बाकी को तरी बनाऊँगी। ये डाली मैं चिकन मसाला, फिर डालूँगी कश्मीरी कलर मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए, बस तैयार हो जाएगा।
और सही बोलूँ तो मेरे को ना नॉनवेज खाने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, बनाने में भी उतना नहीं होता है। मेघा जब थी तो मेघा बनाती थी, ये सब मैं नहीं बनाती थी उतना। मेघा बनाती है, उसको खाना भी अच्छा लगता है, बनाती भी अच्छी है। और मेरे को ना खाना उतना अच्छा लगता है ना बनाना उतना अच्छा, क्योंकि बर्तन में स्मेल आता है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और जैसे भी नॉनवेज चीज़ जैसे मछली ज़्यादा करके, मटन चिकन में तो उतना नहीं आता है मुँह में स्मेल, बाकी अंडा और मछली में तो खाने के बाद मुंह एकदम गंदा लगता है और बर्तन जो स्मेल आता है ना, इस वजह से मेरे को नॉनवेज पसंद नहीं है। तो इसमें अच्छे से मैं मसाले में सबको कोट कर ली हूँ और दो चार पीस उनके लिए फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद बाकी को तरी बना लूँगी, सब खाएंगे। तो इसमें पानी डाल दी, जितना ग्रेवी बनाना है उसके हिसाब से डालूँगी, और इधर का ये फ्राई हो जाएगा। तो दो तरह की बन गई मछली, कोई तो ज़्यादा नहीं खाते हैं, एक एक पीस खाएंगे सब, और बच्चे लोग तो खाते ही नहीं हैं। और इस तरह का कुछ बनाए ना कभी कभार तो सब बांट कर खाते हैं, और ऐसी शादी वाली सब्ज़ी तो रोज़ रोज़ बनती है घर में। ये मेरी देवरानी भी बनाती है और मैं भी बनाती हूँ, तो जब भी नॉनवेज होता है तो सब मिल बांट कर खाते हैं। तो देखिए इधर मैं ऑयल डाल दी इसमें और अच्छे से फ्राई कर लूँगी पैन में इसको, मसाला टमाटर सब उसमें डला है। और इसके बाद हमारा इधर तरी भी तैयार हो रहा है, ग्रेवी वाली मछली और जितना भी एक्स्ट्रा मसाले थे उसको मैं डाल दे रही हूँ ग्रेवी वाली सब्ज़ी में, क्योंकि उसमें मसाले जल जाएंगे। और ये ना फ्राई मसाले हैं, और फ्राई वाला पीस भी है ना, तुरंत बन जाएगा इस मछली का फ्राई, और उसके बाद ना तैयार हो जाएगा मेरा खाना भी। आज का खाना इतना ही था, और कैसी लगी मेरी फिश की रेसिपी बताना। और मैं तोरोई वाली सब्ज़ी को वीडियो नहीं कर पाई हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है हर चीज़ को वीडियो बनाने से, तो थोड़ा थोड़ा ही वीडियो बनाती हूँ मैं। और आज का वीडियो अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए नए आ रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ऑल का बेल आइकन जो रहता है उसको दबा देना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और इसी तरह की थी मेरी फिश करी आज की, और बहुत ही अच्छी लग रही थी, छोटी छोटी वाली मछलियाँ, बाकी बड़ा वाला ढूंढ रहे थे, इसके पापा मिला नहीं, तो छोटी वाली मेरी मम्मी ला दी। मेरी माँ और बाबूजी आए थे अपने काम से, तो वो लोग रुके नहीं, मैं खाना वाना बना चुकी थी, नहीं रुकेंगे काम में बोले। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है हमारे यहाँ, थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगती है, और हमारे उधर नदी किनारे ना उतना ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ी हवा भी आती है गाँव में, और यहाँ ना हवा भी नहीं आती है घर के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बोले इतना गर्मी में क्या रुकेगी बेटी, और आधा घंटा का रास्ता है, धीरे धीरे जाएंगे तो घर जाकर ही खाना वाना खाएंगे, खाना बना है हमारे लिए घर में, तो फिर कितना बनाएंगी, और इतना गर्मी में नहीं रुकेंगे बोले। और रुक गए, और मैं बना चुकी थी ऐसे भी आधा खाना, तो रुके नहीं वो लोग और चले गए। तो जा रही हूँ मैं, खाना अभी बनाना ख़त्म हुआ है, थोड़ा सा वीडियो का एडिटिंग करूँगी, और उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे। माही गई है कृष्णा को खिलाने के लिए, यानी कि मेरी देवरानी की जो छोटी सी बच्ची है उसको नहला रहे हैं, तो उसको खिलाने के लिए गई हैं, देखने के लिए उसको गई हैं। तो इसके बाद वो लोग जब आ जाएंगे फिर खाना खाएंगे। उसके पापा कुकिंग से नहीं आए हैं, अभी बज रहा है 12:30, हम लोग 1:30 बजे करीब खाते हैं खाना, को जल्दी नहीं खाते हैं, कोई पसंद नहीं करते हैं जल्दी खाना, तो चलिए वीडियो को एडिट करते हैं, खाते मिलते हैं। और खाना खाते वक्त मैं वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म था। तो ये बन रहा है 4 बजे का नाश्ता, पास्ता बना रही है नीमा अपने लिए और माही के लिए। तो यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। नए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।